अच्छा एक फेस है इंडियन सिनेमा का। आप बनाओ अच्छा फिल्म कहाँ से भी, पूरा देश आपको सपोर्ट करेगा। पूरा देश का फिल्म मेकर्स का एक ही मकसद है, कोई रीमेक कर रहा है तो वो एक कॉम्प्लीमेंट है ओरिजिनल फिल्म को कि आई एम श्योर वो मिलेगा, क्योंकि वो मेहनत आपकी दिख रही है। रिसर्च की बात करें, मेहनत की बात करें, बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत अलग तरीके से डालना पड़ता है जब ऐसी एक्शन, मतलब इतनी हाई ऑक्टेन फिल्म हो। कितना उस पर मेहनत की थी और क्या बताना चाहोगे इसके बारे में? बॉडी लैंग्वेज का वो सब मुझे जिस तरह से उन्होंने श्रीकांत ने स्क्रिप्ट लिखा, वो छोटी छोटी डिटेल्स और नुएंसेस भी जितना क्लियरली उन्होंने लिखा, जब वो पढ़ रहे थे, जब वो नरेट कर रहा था, वो काइंड ऑफ समझ में आ गया। उतना डिटेलिंग किया उसने कि हमें बड़ा होमवर्क करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। और क्योंकि कोल माइंस के बैकग्राउंड है इस फिल्म का, तो कहीं ना कहीं KGF भी है उस बैकग्राउंड पे, तो लोग कंपेयर करने लगते हैं। KGF था गोल्ड माइंस का ये कोल माइंस है, और उसका वो वर्ल्ड अलग है, वो गन्स एंड कुछ और वर्ल्ड है। ये एक छोटा सा विलेज है, उस विलेज का एक ड्रामा है, मगर एक्शन और एड्रेनलिन और इमोशन तो बहुत बहुत इम्पैक्टफुल है। आप देखो अभी साउथ की जो फिल्में हैं, मतलब पहले क्या होता था कि एक स्टेट तक, कुछ स्टेट्स तक रुक के जाती थी, लेकिन अब जो फिल्में हैं, चाहे वो कंतारा की बात करें, पुष्पा की, KGF, अरब ये आ रही है दशहरा, मतलब इसको जो एक्सपेक्टेशन है इसके साथ, जो एक्साइटमेंट है आपके फैंस, इवन नॉर्थ के जो आपके फैंस हैं उनमें अलग है। इस जो लैंग्वेज बैरियर टूटा है उसको कैसे देखते हो? ये बहुत ही अच्छा एक फेस है इंडियन सिनेमा का, जहाँ पे आप बनाओ अच्छा फिल्म कहाँ से भी, पूरा देश आपको सपोर्ट करेगा, और इससे बढ़कर गुड फेस सिनेमा को हो ही नहीं सकता। तो अभी जब पूरा देश का फिल्म मेकर्स का एक ही मकसद है कि अच्छा फिल्म बनाने का, तो ऑडियंस को आप सोचिए कि कितने शानदार फिल्म मिलेंगे अब से। तो ये बहुत ही अच्छा एक टाइम्स है। मैं विश करता हूँ कि हम रेगुलरली ग्रेट फिल्म्स बनाएं और ऑडियंस को भी एंटरटेन करें। और इससे अच्छा क्या वक्त हो सकता है? जर्सी में आपके रोल को वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग बोला गया है, और उसके बाद वो ऐसी फिल्म है जिसको हिंदी में भी बनाया जाता है। आपने देखी हिंदी वाली फिल्म शाहिद का रोल कैसा? या बहुत अच्छा लगा। आपकी फिल्मों को अब मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में बनाया जाता है, इसको कैसे देखते हो आप सर? मैं तो बहुत खुश था, क्योंकि जब कोई रीमेक कर रहा है तो वो एक कॉम्प्लीमेंट है ओरिजिनल फिल्म को कि देख के इतना अच्छा लगा उसलिए तो रीमेक कर रहे हैं, तो आई फील्ट वेरी हैप्पी एंड प्राउड। रिसेंटली फर्जी में विजय सेतुपति को देखा, आप कभी OTT पे काम करते हुए दिखाई दोगे? अभी OTT का कुछ प्लान तो नहीं है, देखेंगे फ्यूचर के बारे में कुछ बोल नहीं सकते अभी तक, अभी तो पूरा फोकस फिल्मों में है।